सवाल है और वो हिदायतुल्ला साहब बेंगलोर से पूछ रहे हैं, क्या कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं नीज़? क्या कमोडिटी मार्केट में इंट्राडे क्या है ये, और डिलीवरी ट्रेडिंग कर सकते हैं ये, इसकी गुंजाइश नहीं है मसाब जी? मर्केंटाइल एक्सचेंज या कमोडिटी एक्सचेंज ये स्टॉक एक्सचेंज की तरह का एक मामला इसमें होता है, इस फर्क के साथ कि स्टॉक एक्सचेंज में फाइनेंशियल एसेट्स का लेन देन होता है और यहाँ पर कमोडिटीज़ का लेन देन होता है, यानी इसमें मुख्तलिफ जो जामिद असासें हैं उनका लेन देन होता है, जिसमें सोना भी होता है और कोई तेल और शुगर और इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो इसके बारे में सूरतें तो बहुत ज़्यादा हैं और हर सूरत का मुख्तलिफ हुक्म है, तब सारी सूरतों की तफसील तो इस वक्त मुमकिन नहीं है। अलबत्ता उसूली तौर पर ये बात है कि जो इसमें मुस्तकबिल के सौदे होते हैं, फ्यूचर सेल्स, जिसमें सिर्फ फ़र्क और बराबर किया जाता है और अमली तौर पर लेन देन मकसूद भी नहीं होता और अमलन होता भी नहीं है, तो उस तरह के सौदे तो बिल्कुल नाजायज़ हैं। और जो डे ट्रेडिंग होती है स्पॉट सेल, इस तरीके से कि उसमें अभी तक कोई चीज़ आपके कब्ज़े में नहीं आई हुई होती, तो वो सूरत भी जायज़ नहीं है। अलबत्त डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं जिसमें आप कब्ज़ा कर सकते हैं, तो उसमें अगर हकीकी तौर पर कब्ज़ा हो जाए या हुक्मी तरीके से भी कब्ज़ा हो जाए, हुक्मी तरीके से कब्ज़ा होने की सूरत ये होती है कि जो डिलीवरी आर्डर होता है DO जिसको कहते हैं, उस पर आप का जब कब्ज़ा हो जाता है और वो डिलीवरी आर्डर ऐसा बराए नाम ना हो बल्कि उसमें माल की क्वांटिटी और जगह जहाँ पे वो रखा हुआ है इस तरीके से लिखी हुई हो कि आप जाके कब्ज़ा अमलन ले सकते हो, तो वो डिलीवरी आर्डर पर हुक्मी तरीके से कब्ज़ा हो जाता है बाज़ उलमा के नज़दीक, तो उस तरह से भी कब्ज़ा लेने के बाद उसको आगे बेच सकते हैं। बहरहाल जब कब्ज़ा भी ना हुआ हो तो उस तरह बाय करना जायज़ नहीं है, तो सही मुख्तलिफ सूरतें। बहुत शुक्रिया अबरार। मेमन साहब खैरपुर से पूछते हैं, क्या हम पुराने करेंसी नोट ज़्यादा कीमत में बेच सकते हैं? जैसे 1 और 2 रुपये वाले पुराने नोट हम 100 रुपये में बेच सकते हैं? जी, जब कोई करेंसी इस तरह हो जाए कि उसका चलना बंद हो जाए और वो करेंसी बाकी नहीं रहती, उसकी हैसियत महज एक कागज़ के टुकड़े की या एक यादगारी चीज़ की हो जाती है, तो इस सूरत में एक कागज़ के टुकड़े के तौर पर या एक यादगार के तौर पर उसकी बय अगर ज़्यादा में भी की जाती है तो उसकी गुंजाइश।